हमें नहीं लगता हम यहाँ अंदर सेफ है, हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे हम बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आप हमें यहाँ से नहीं निकाल पाए तो हमें लगता है या तो हम उनकी मिसाइल से मरेंगे, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल। हमारा ये देखिए कहाँ है इंडियन एम्बेसी, ईरानियन, इजिप्ट, नाइजीरियन, सारी सारी कंट्रीज़ के बच्चे चले गए हैं। बस यहाँ पे जो बचा है वो बचा है सिर्फ इंडियन, सब खाली हो चुका है, सब यहाँ से वहाँ तक सब खाली, देखिए पूरा सब कुछ खाली हो चुका है। अगर बचा है तो सिर्फ इंडियंस के बच्चे बचे हैं, सब खाली हो चुका है यहाँ पे। हमें नहीं लगता हमारी एम्बेसी कुछ हेल्प करेगी यहाँ पे, देखिए सब कुछ खाली हो चुका है, सब खाली है यहाँ पे। बस अगर बचे हैं तो यहाँ पे हम इंडियंस लोग बचे हैं। नहीं लगता हमारी कोई हेल्प करने आ रहा है यहाँ पे, प्लीज़ हमें बचाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। हमारे साइड में आर्मी बेस है, हमें लगता है यहाँ पे बहुत डर है, बहुत खतरा है, इसलिए वो लोग सबसे पहले गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आर्मी बेस है साइड में और सबसे ज़्यादा खतरा यहीं पे है। और हमारी जो इंडियन एम्बेसी वो कह रही है हम तुमको यहाँ से जब निकालेंगे, जब आप बिल्कुल सेफ़ होगे बाहर, बट हमें नहीं लगता हम यहाँ अंदर सेफ़ है, हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे हम बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर आप हमें यहाँ से नहीं निकाल पाए तो हमें लगता है या तो हम उनकी मिसाइल से मरेंगे, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल। वो कह रहा है कि हम ट्रेन में बैठने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं रोमानिया पर। अच्छा, रोमानिया जाएंगे? हाँ, वहां से 12 किलोमीटर पहले है। वापसी का टिकट कब कराया था सर आपने, कितने का हुआ था? हमने 18 तारीख को टिकट करा दिया। अच्छा, हाँ जी, 54,000 का टिकट हुआ। उसके बाद में 2 तारीख को, अच्छा 2 तारीख को टिकट। राजवीर जी, आपका बच्चा कहाँ पढ़ने गया था, कब गया था और क्या नाम है बच्चे का? 11 दिसंबर को गया। अच्छा, फिलहाल अब आपकी जो है जो युद्ध होगा उसके बाद आपकी बच्चे से बात भी होगी, बच्चे से बात। कहाँ पर है बच्चा और किस कंडीशन में? की में तो बहुत परेशानी है हर चीज के लिए, और कोई कोई करने से नहीं मिल रहा हूँ, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी वाले कह रहे जैसे मन कर रहे जा सकते हैं, यहाँ से मिला जैसे कन्वर्ट, जैसे भी हम गाइड करें वैसे करते रहे। कोई भी एम्बेसी एम्बेसी कोई बात करने को तैयार नहीं, ना कोई फोन मिल रहा है ना कोई सपोर्ट। तो बच्चे ने हालात बताई वहाँ के, क्या हालात बारिश करी, उसमें स्थिति इतनी खराब आ रही, जो विदेश के जो और विदेशों के बच्चे वो निकल गए और हम यहाँ पे रह गए, हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। जब आपके बच्चे से बात हुई लास्ट टाइम, वो बच्चा कहाँ पर था? और यूनिवर्सिटी में था, 10 हमारी बात बात हुई सुबह 10 बजे। अच्छा, यूनिवर्सिटी में था, कीव में ही? कीव में। अच्छा, तो भारत सरकार से अब बच्चों को लाई है? भारत सरकार से बच्चे जो भारत सरकार तो को मदद नहीं करती, जो लड़का बता और भी वो फेसबुक आ रही है उसमें भी दिक्कत ही आ रही है, जो बॉर्डर पे है उनके लिए कोई फ्लैट नहीं, कोई सुविधा नहीं, जो ना एम्बेसी वहाँ पे वो निकालने वाला नहीं है, जो वहाँ पे है उनके खाने पीने की बहुत दिक्कत है, और ठंडी इतनी पड़ रही है, ठंड में सफर रहे हैं, और जो वहाँ की जो फोर्स है उन्हें परेशान कर रही है। तो बच्चे से जब आपकी बात हुई, क्या बच्चे के साथ भी किसी तरह का मिसबिहेवियर वगैरह किया गया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन दिक्कत को बात करने को तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि जैसा तुम्हारा मन करे जाना चाहे जा जा सकते हो, ना जाना चाहे तुम्हारी मर्जी, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। आपका क्या नाम बच्चे का? नाम वर्षे है, और लड़का जो पोता लगता है हमारा, हम बाबा हैं, और वो यूक्रेन पढ़ने गया था, वो हम गिरे हुए हैं, सरकार को मदद नहीं कर रही, बच्चे परेशान है, फोन पे रो रहे हैं बच्चे। अच्छा, आपकी जब बात हुई किस तरीके के वहाँ पर की में हालात थे, कितने बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं? बच्चे काफ़ी हैं यहाँ, जब बच्चा घबरा रहा हुआ जो उससे फोन पर बात कर रहा, बच्चा घबरा रहा हुआ। अच्छा, लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी? अभी सुबह ही। तो अभी क्या कीव से वहाँ से बच्चा जो है चला है? वो बता रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं बच्चे बोले की तरफ, डरे हुए बच्चे बहुत ज्यादा, घबरा रहे हैं बच्चे, सरकार से गुहार लगा रहे हैं हमारी मदद करो, सरकार हमें निकाल दे। व्हाट्सएप पे सरकार को मैसेज दे रहे हैं बच्चे, हाँ जितने बच्चे गिरे हुए हैं कि हमें निकाल दे सरकार, भारत सरकार हमारी मदद कर रहे, रो रहे हैं बच्चे फानों में। तो बच्चे ने क्या एम्बेसी वगैरह से संपर्क साधने की कोशिश की?
ना कोई संपर्क में हो रहा है, कोई मदद करने को वहाँ तैयार है। किस तरीके की भारत सरकार से मांग करेंगे कि वो भारत सरकार से कह रहे थे, बच्चे रो रहे थे फोन पे, सरकार हमें यहाँ से निकाले, हमारा खाना पीना सब कुछ यहाँ बंद है, परेशानी खतरा बहुत ज्यादा।